कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र और छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। कल हमने अध्याय 3 सरल रेखा में गति को समाप्त किया। आज हम इसी फिजिक्स फर्स्ट में अध्याय 4 समतल में गति प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा सदिश और अदिश, इसके विषय में आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, वही थोड़ा इसमें है। इसके आगे को जो बताएंगे हम, सदिशों का जोड़ना घटाना गुणा और भाग किस प्रकार होता है, इसमें चैप्टर में आएगा। तो आज एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका। आज देखिए अदिश और सदिश राशियाँ, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश होती हैं और एक होती है सदिश। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? देखिए वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, कार्य, ताप आदि, दाब, ये सारी कैसी हैं? अदिश राशियाँ, इनमें दिशा नहीं इंगित होती। अदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। अब दूसरे प्रकार की राशियां हैं सदिश राशियां, जिनके बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और भार, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सब कैसी राशियां हैं? ये सदिश राशियां हैं। अब सदिश राशियों को साधारण बीजगणितीय के नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियमों के स्थान पर सदिश बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा और घटाया जाता है। इसको साधारण बीजगणित से हमको हल नहीं कर सकते। तो देखिए अब आता सदिशों के प्रकार। सदिशों को निम्न दो प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं, या निम्न दो प्रकार के सदिश होते हैं। नंबर एक है ध्रुवीय सदिश। वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे विस्थापन, संवेग, बल आदि। दूसरे प्रकार के हैं अक्षीय सदिश। वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, किसी अक्ष के परिधि घूमते हैं तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। अब घूर्णन वाले कौन से होते हैं? जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग है, और बलाघूर्ण, जिनमें घूमने की प्रवृत्ति व्यक्त होती है। तो ये इस प्रकार के क्या कराते हैं? ये अक्षीय सदिश कहलाते हैं आदि। ये जितने बलाघूर्ण वगैरह सब के सब क्या है? ये अक्षीय सदिश है। अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं? संकेतन। सदिशों को प्रदर्शित करने वाले अक्षर के ऊपर तीर का निशान लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे त्रण को स्मॉल ए पर एक तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब ये सदिश है। वेग पर वी लिखकर तीर लगा दिया, इसका मतलब ये एक सदिश है। तथा बल को एफ लिखकर, कैपिटल एफ बल को व्यक्त करता है, इस पर तीर लगा दिया तो ये एक सदिश हो जाएगा। यही अंतर सदिश और अदिश में हम लिखने में कर लेते हैं। अगर हम एम लिखें या ए लिखें खाली, तो त्वरण नहीं, वो सदिश नहीं कहलाएगा जब तक उस पर तीर नहीं लगा, तीर का निशान। तो ये इसको संकेतन की विधि है। अब आगे कुछ इसका वर्गीकरण फिर करेंगे। आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ सदिश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।